हेलो नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। आज हमारा प्रैक्टिस का वीडियो है। ये हमारी प्रैक्टिस 6 है। जिन्होंने प्रैक्टिस 1 से 5 तक नहीं देखा है, प्लीज़ वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। उनमें आपको उनका उसके प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप प्लीज़ उसको गो थ्रू पहले कीजिए। आज की हमारी जो प्रैक्टिस है वो रजवाड़ी स्टाइल इंट्रिकेट इंडियन मेहंदी की हमारी प्रैक्टिस है, और उसमें जितने भी मैं एम्बेलिशमेंट फिलर एलिमेंट ले रही हूँ वो मैं एम्बेलिशमेंट वीडियो में, जो पहला वाला वीडियो है, उसमें दिखा चुकी हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं, और उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। और जो लोग भी जानना चाहते हैं कि मैं कौन सा पेपर इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये एक नॉर्मल प्रिंटिंग पेपर है A4 साइज़ का, और आज मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कौन से और मटेरियल यूज़ कर सकते हो वो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, उसमें आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ये बड़ी ही सिंपल वाली हमारी प्रैक्टिस है, और वो बिगिनर्स के लिए ही है आज, लेकिन एडवांस स्टूडेंट को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एलिमेंट के साथ एक्सपेरिमेंट करके उसका लेवल अप कर सकते हैं। आज जो एक शेप हम ले रहे हैं हमारे प्रैक्टिस में, वो आज तक हमने किसी भी प्रैक्टिस वीडियो में नहीं लिया है अभी तक, और वो है हमारा सिंपल पेसली का शेप। ये बहुत ही सिंपल पेसली है, और इसमें भी यही रूल लागू पड़ता है जो मैंने लीफ के लिए आप लोगों को बताया था, कि सेंटर में जाइए, फिर वापस दूसरे डायरेक्शन से आप लाइन क्रिएट कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइन यहाँ से क्रिएट करेंगे तो उसका जो जॉइंट पॉइंट होगा उस थोड़ा आउट ऑफ शेप हो सकता है। तो इसीलिए आप मिडल, अगर आप नए हैं और आप वन स्ट्रोक में पेसली नहीं बना सकते, तो आप इस तरह से फॉलो कर सकते हो आप टेक्निक। और पेसली किस तरह से ड्रॉ करनी है वो मैंने बेसिक से पूरा सिखाया है, उसका एक ट्यूटोरियल का वीडियो है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। हो सके तो आप ट्यूटोरियल के जो सारे वीडियोस हैं, ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट, वो सारे पहले देख लीजिए, तो आपको ये प्रैक्टिस हमारे साथ करने में बहुत ही आसानी होगी। और ये पिसली आप हो सके तो हर एक दिशा में पहले प्रैक्टिस कीजिए। अब हम आज एक मोटिफ क्रिएट करेंगे, जो हमारे नॉर्मल इंट्रिकेट जो हमारी मेहंदी होती है रजवाड़ी स्टाइल, उसमें ये बहुत होता है कि एक बड़ा सा मोटिफ होता है। तो हम आज एक बहुत ही सिंपल वाला मोटिफ हम क्रिएट करेंगे। सर्कल के ऊपर सर्कल परफेक्ट होना ज़रूरी है खूबसूरत डिज़ाइन लगने के लिए। तो आप हो सके तो पहले रेफरेंस ड्राइन ड्रॉ करके, जैसे मैंने यहाँ पे किया, फिर आप अच्छे से सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। अब हम इसके आजू बाजू एक लाइक पेटल्स पेसली वगैरह का इस्तेमाल करके हम एक बड़ा सा मोटिफ क्रिएट करेंगे। और मैं शुरुआत करूंगी अपनी पेसली से। फिर आप इस तरह से राउंड पेटल भी ले सकते हो। हम एक अच्छा सा फ्लावर वाला लुक देंगे। और ये जो मोटिफ है, आप चाहो तो पाम के ऊपर या एल्बो के साइड पे, जहाँ पे बड़ी जगह है वहाँ पे भी आप ड्रॉ कर सकते हो। और आप देख सकते हैं कि पहले मैं मोटिफ की सारी बॉर्डर्स ड्रॉ कर रही हूँ। और आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे, इसीलिए मैंने थोड़ी सी लाइन
घाड़ी रखी है, आप चाहो तो इसे और भी फेंट लाइन कर सकते हो, और उसके बाद इसके अंदर फिलर एलिमेंट ड्रॉ करने के बाद फिर उसको डार्क कर सकते हो। क्योंकि अगर मैंने अभी इसको बहुत ही लाइट किया तो आप लोगों को शायद ये इतने क्लियर से दिखाई ना दे। फिर इस तरह का एक आप बॉर्डर खींच सकते हो। मैं यहीं पे इस बॉर्डर को ऐसे कंप्लीट करूँगी। और इस तरह इधर, तो एक ये पूरा मोटिफ हमारा हो गया। अब हम इस मोटिफ को डेकोरेट करने की शुरुआत करेंगे और इसको डिफरेंट डिफरेंट फिलर एलिमेंट्स को लेके हम पूरा भर देंगे। ये बहुत ही एक सिंपल डिज़ाइन है, और जैसे मैंने कहा कि ये प्रैक्टिस एक सब बिगिनर्स को नज़र में रखते हुए मैंने क्रिएट की है, तो जिससे आप लोगों के फिलर एलिमेंट की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये सारे शेप्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। हम बहुत ही सिंपल वाले जो हमारे चेक्स होते हैं चेस बोर्ड के, वही हम ले रहे हैं यहाँ पे। और जैसे मैंने कहा कि एडवांस स्टूडेंट चाहे तो ये सब एलिमेंट के साथ एक्सपेरिमेंट करके इसको लेवल अप कर सकते हैं। और जब भी प्रैक्टिस करो, हर एक एलिमेंट को कंप्लीट करो, कोई भी एलिमेंट को हाफ हार्टेडली ड्रॉ मत करो, हर एक लाइन को आप कंप्लीट करो। सिर्फ फिलर एलिमेंट्स आए उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उस फिलर एलिमेंट्स को किस तरह से लेयर करना है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के जो डिज़ाइन होते हैं हमें वो सिखाते हैं कि हमें डिज़ाइन को किस तरह से लेयर करना है, एक दूसरे के साथ मिला के एक पूरा डिज़ाइन बनाना है। तो फिलर एलिमेंट हो जाए उसके बाद आप शेप को गाढ़ा कर सकते हो, जिससे वो फिनिशिंग आ जाती है। और हमेशा जब बाजू का शेप हो तो एक कवर लाइन ज़रूर दीजिए, तभी वो पेटल अलग से वो दिखेगी। मैं जानती हूँ आज की प्रैक्टिस बहुत ही सिंपल है, और इसमें मुझे लगता है जहाँ तक मुझे इतने एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अगर हो सके तो आप फोन और पेपर मेरे साथ लेकर बैठे और जिस तरह से मैं ड्रॉ कर रही हूँ हर एक एलिमेंट को अभी मेरे साथ ही ड्रॉ कीजिए। और अगर मैं थोड़ा स्पीड में जा रही हूँ, क्योंकि अगर रिपीटेटिव होगा एलिमेंट तो थोड़ा मेरा स्पीड बढ़ जाएगा, तो आप वीडियो को वहीं पे पॉज करके पहले अपना एलिमेंट अच्छे से शांति से आप कंप्लीट कीजिए। अब मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ कि जब आमने सामने पेटल्स होती है ना, तो मैंने जो डिज़ाइन यहाँ पे बनाया होता है मैं वही सेम डिज़ाइन यहाँ पे भी बनाती हूँ। मुझे वो जो सिमेट्रिकल आता है उसका जो दिखाव होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर वही करती हूँ कि अभी जो मैंने ये डिज़ाइन यहाँ पे लिया है डॉट और कवर वाला, तो मैं वही डिज़ाइन यहीं पे भी रिपीट करूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बहुत सारे डिज़ाइन इकट्ठा की जाए, लाइक हर एक पेटल में कुछ बहुत ज़्यादा अलग अलग किया जाए, तो वो इतना खूबसूरत नहीं लगता। वो ये मेरी पर्सनल चॉइस है, हर एक की चॉइस डिफरेंट होती है। तो हो सके तो आप 4 से 5 फिलर एलिमेंट इस्तेमाल कीजिए और उनके साथ ही
एक्सपेरिमेंट करके पूरा डिज़ाइन बनाई है। मुझे मेरी खुद की पसंद वो है, तो इसलिए जब भी इस तरह के फ्लावर कंपोजिशन होते हैं तो मैं वही करती हूँ कि सामने वाली पेटल में मैं एक समान डिज़ाइन लेती हूँ, या तो मैं क्या करती हूँ इसमें जो डिज़ाइन लिया है फिर इसमें दूसरी डिज़ाइन लेती हूँ, फिर सेम डिज़ाइन में उसके बाजू वाली पैटर्न में मैं रिपीट करती हूँ, तो हर एक ऑल्टरनेटिव जो पैटर्न होती है उसमें एक समान मैं डिज़ाइन रिपीट करती हूँ। और जब भी आप किसी शेप के अंदर फिलर एलिमेंट कर रहे हो तो उसके कॉर्नर को मत छोड़ देना, एंड तक उसको कंप्लीट करना। अगर वहाँ पे ड्रॉ करने की जगह नहीं है तो डॉट बना के या कुछ भी लाइन बना के आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। जैसे अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे कंप्लीट लाइन बनाने की जगह नहीं है मेरे पास, फिर भी मैं उसको इस तरह से प्रिटेंडियस लाइन करके भी मैं उसको पूरा कंप्लीट करूँगी। और अब जब मैं आउटलाइन ड्रॉ कर रही हूँ तो मैं शेप के बाहर के मोटी वाली लाइन दे रही हूँ। अब जो भी मैं डिज़ाइन करूँगी इन दोनों में एक समान करूँगी। अब ये सेम ही चीज़ मैं यहाँ पे भी फॉलो करूँगी। ठीक है, अब हम इन दोनों में जो डिज़ाइन लेंगे वो थोड़ा लेयर्ड करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन को साथ में हम वो डॉट वाले जो लीव्स होते हैं वो भी इसमें इस्तेमाल करेंगे हम। तो मैं वो डॉट वाले लीव्स यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहूँगी। इस तरह से ये सिंपल वाले हमारे डॉट वाले लीव्स हैं। एक्चुअली आज मैं जो कोन यूज़ कर रही हूँ वो काफ़ी पुराना है और उसमें एयर बबल होने की वजह से वो बीच बीच में वो लाइन को तोड़ रहा है। एयर बबल हो जाता है या वाटर बबल हो जाता है तो उसकी वजह से भी हमारी लाइन टूटती है। तो आज कोन पुराना है इसलिए वही हो रहा है मेरे साथ, लेकिन कंसिस्टेंसी अच्छी है मेहंदी की अभी भी, तो इसलिए मैं कोन फेंक नहीं सकती ऐसे। अब यहाँ पे हम बारीक वाले चेक्स ले सकते हो या तो यहाँ पे हम बारीक वाले चेक्स ले सकते हैं या तो दोनों जगह पे हम सेम कर सकते हैं। चलो हम वही कर लेते हैं। तो थोड़ा ये बोल्ड डिज़ाइन जो हमने बनाई है ये लीव्स की, उसको थोड़ा कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। और जब भी ये बारीक वाले आप चेक्स बनाओ तो कई बार ऐसा होता है कि जो दूसरा लेयर है वो पहले लेयर के ऊपर ही रह जाएगा, वो नीचे स्किन को टच नहीं करेगा। ऐसा तब होता है जब आपकी पेस्ट जो होती है मेहंदी की वो थोड़ी गाढ़ी होती है, तो वो लाइन ऐसे ही स्किन के लाइक फर्स्ट लेयर के ऊपर ऐसे ही रह जाएगी, वो नीचे स्किन के ऊपर टच नहीं करेगी। तो क्या होगा कि कलर नहीं आएगा। जब कलर आएगा तो सिर्फ नीचे का लेयर जो है उसका आएगा, या जो सेकंड लेयर है उसके कुछ कुछ पार्ट्स का आएगा, पूरे का नहीं आएगा। और ये
कई बार होता है, मेरे साथ भी हो चुका है, तो इसलिए इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी दूसरा लेयर आप बनाओ तो आपकी एक तो पेस्ट गाढ़ी हो, तो उसको ध्यान रखो कि वो नीचे टच कर रहा है या नहीं। इसको थोड़ा मोटी लाइन दे दो, वो पूरा खिल के बाहर आ जाएगा डिजाइन। अब इसके अंदर हम क्या बनाएंगे? चलो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं इसकी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बेस से ही शुरुआत कर सकते हो, आप उसके हेड से भी शुरुआत करके डिज़ाइन को ले जा सकते हो। जब भी आप इतनी बारीक डिज़ाइन करते हो ना, तो एक बार हमेशा ध्यान रखो कि बीच बीच में एक आध एलिमेंट ऐसे डालो कि जिसमें थोड़ी एम्प्टी स्पेस हो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो इस चेक्स में ये एम्प्टी स्पेसेस है, फिर ये जो हमारी पेसली है उसके अंदर ये हमारा एम्प्टी स्पेस है, इसके अंदर ये जो हमने पेटल्स बनाई है राउंड वाली वो हमारा एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पे जो बेल के आजू बाजू का जो स्पेस है वो हमारा एम्प्टी स्पेस है, और इसी तरह मैंने यहाँ पे ये स्वर्ल डाले हैं। तो जब बारीक के साथ आप ऐसे एलिमेंट डालते हो तो जब भी आपकी नज़र पड़ती है तो वो एम्प्टी स्पेस वाला जो एलिमेंट होता है उसके ऊपर पड़ती है, और वो उसकी पूरी डिज़ाइन की खूबसूरती बखूबी से बढ़ा देता है। अगर पूरा ही एक लेवल से किच 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 आप भर दोगे तो कोई भी डिज़ाइन अच्छे से दिखेगा नहीं। तो हमेशा ये बात ध्यान रखो कि आप जब भी पूरा एलिमेंट इस तरह से भर रहे हो इंट्रिकेट डिज़ाइन से, तो कुछ एलिमेंट बीच बीच में ऐसे डालो जो खाली हो, बड़े शेप वाले हो। तो आप देख सकते हो कि हमने कितनी खूबसूरती से कितना इंट्रिकेट एक मोटिफ क्रिएट कर दिया, बहुत ही सिंपल तरीके से, कि एक सर्कल बना दिया, पेसलीस ले ली और राउंड पेटल्स कुछ इधर उधर अरेंज कर दिए। अब ये पूरा का पूरा आप एक कॉपी कर सकते हो, या तो उसको आधा कॉपी कर सकते हो, और इस तरह से लेयर करके एक अच्छा सा मोटिफ आप क्रिएट कर सकते हो इंट्रिकेट ब्राइडल मेहंदी में। इस तरह से अगर देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपके शेप्स जो है पेटल्स के हो या पेस्टली के हो वो बहुत ही परफेक्ट होने ज़रूरी है उसको खूबसूरत लगने के लिए, और साथ में ही उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स फिलर एलिमेंट हमने किए हैं वो भी अगर नीट एंड क्लीन हो तो वो इतने ही खूबसूरत लगेंगे। अब जो ये बॉर्डर के एलिमेंट हैं जो हमने साइड पे इस तरह से दो बॉर्डर को प्रोग्रेस डिज़ाइन के तौर पे मैंने दिखाई है, उसको आप कोई भी चेक्स के एलिमेंट से या बारीक वाले फिलर एलिमेंट से आप भर सकते हो। तो मैं वो आप लोगों के लिए एज ए चैलेंज छोड़ के जा रही हूँ, मैं नहीं उसको भर रही हूँ, मैं सिर्फ आपके दिखाने के लिए कि किस तरह से आप डिज़ाइन को प्रोग्रेस कर रहे हो कर सकते हो इस मोटिव को, मैंने उसको ड्रॉ किया है, तो मैं एज ए चैलेंज ये आप लोगों के लिए छोड़ के जा रही हूँ। या सॉरी, तो आप अपनी क्रिएशन से, अपनी इमेजिनेशन से आप कुछ अच्छा सा उसमें बनाइए और आपकी डिज़ाइन हमारे साथ शेयर कीजिए, और मुझे बहुत विश्वास है कि आप उसके साथ बहुत ही कुछ अच्छा क्रिएशन करेंगे। तो आप
ये प्रैक्टिस तब तक करते रहिए जब तक आपके सारे शेप्स और एलिमेंट्स बहुत खूबसूरती से ना आए। और मैंने जो एलिमेंट लिए हैं, ज़रूरी नहीं आप वही एलिमेंट लो, आप चाहो तो अपनी चॉइस के कोई भी एलिमेंट आप इसमें ले सकते हो। तो आप डेफिनेटली ये प्रैक्टिस को करो, और अगर आप अपना क्रिएशन हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो आप हमारे फेसबुक पेज पे या इंस्टा पे आप हमें मैसेज कर सकते हो, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हो। तो फिर हम वापस जल्द ही मिलते हैं, और तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू, सी यू, बाय।